है शाम तू तारी है तकलीफ मैं तुझसे मिला तो पा लिया। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जैसे कि आपने डेमो में वीडियो देखा ऐसा हम आज बनाने वाले हैं। अगर ऐसा वीडियो बनाने का बहुत आसान है तो चलो हम वीडियो बनाना स्टार्टिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इधर जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है उसके ऊपर हमारे को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर पेंसिल पर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद इधर 1080 और इधर 2340 ले लेना है। उसके बाद इधर 30 पे ओके कर देना है। इधर ब्लैक स्क्रीन ले लेना है। उसके बाद इधर क्रिएट प्रोजेक्ट लिखा है उसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद इधर जो प्लस वाला आइकन दिखा रहा है उसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। तो क्लिक करके दोस्तों यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट करना रहेगा। तो चलो दोस्तों मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट कर लेते तो दोस्तों मैंने एक इमेज ऐसे सेलेक्ट कर लिया। तो कुछ इस तरह से आएगा। देखो दोस्तों ऊपर के और नीचे दोनों साइड जगह दिखा रहे हैं। तो उसके लिए हमारे को इधर जो 3 डॉट दिखा जाए उसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद इधर जो फिल स्क्रीन का ऑप्शन दिखा रहा है उसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। तो क्लिक कर लेते दोस्तों। तो कुछ हमारा फोटो इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हमारे को इधर मूव एंड ट्रांसपोर्ट दिखा रहा है उसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद इधर 3 नंबर वाला ऑप्शन जो दिखा रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा लेंगे तो फोटो का कुछ साइज अच्छी हो जाएगी। तो चलो दोस्तों मैंने बढ़ा लिया। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो यहाँ से वापस आ जाते फिर इधर क्लिक कर देंगे, वापस आ गए। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से एक सॉन्ग सेलेक्ट करना रहेगा। तो सॉन्ग सेलेक्ट करने के लिए ये प्लस वाला आइकन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर जो ऑडियो का ऑप्शन दिखा रहा है उसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। तो चलो क्लिक करके एक सॉन्ग सेलेक्ट कर लेते। तो दोस्तों सॉन्ग मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इधर जो एरो दिखा रहा है उसके पहले सॉन्ग पे क्लिक कर नहीं सॉरी दोस्तों पहले हमने जो फोटो बनाया था उसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद इधर जो एरो दिखा रहा है उसके ऊपर 2 बार टैप करना रहेगा। तो 2 बार टैप कर लेते उसके बाद यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद हमारे को फोटो पे सिलेक्ट करना है, जो फोटो पे हमने सिलेक्ट किया था वो फोटो पे सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद इधर जो ये दिखा रहा है उसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। तो चलो दोस्तों हम क्लिक कर लेते हैं। फोटो को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इधर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ हमारा फोटो इस तरह से लेंथ उसकी बड़ी हो जाएगी। फिर दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करके वापस इस पोजीशन पे आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों कुछ हमारे को फोटो कुछ इस तरह से हिले ऐसा करना रहेगा। तो उसके लिए हमारे को फोटो को क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद इधर मूव एंड ट्रांसफर का ऑप्शन दिखा रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से खींच के लाना है फोटो को, कुछ इस प्रकार से आ जाए। उसके बाद इधर जो प्लस वाला आइकन दिखा रहा है उसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। उसके बाद फोटो को थोड़ा इस तरह से खींचना है। उसके बाद थोड़ा इस तरह से खींचना है तो कुछ ऐसे लाल कलर रेड रंग की जो लाइन बन के आ रही है उसको रखना है, उसी सेंटर में रखना है फ़ोटो को। उसके बाद दोस्तों वापस इस फोटो को इस तरह से खींचेंगे। उसके बाद यहाँ से वापस इस तरह से करेंगे, हो गया दोस्तों। अब वापस यहाँ से थोड़ा यहाँ तक आ जाएंगे। उसके बाद वापस इस तरीके से करेंगे, वापस दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगे, दूसरा डॉट लगा देंगे। चलो मैं सबसे सभी में डॉट लगा लेता हूँ। इस तरीके से एंड तक ऐसे ही करना है। दोस्तों मैंने सभी के अंदर लगा लिया है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कुछ हमारा वीडियो है कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। देखो आप देख सकते हो दोस्तों, अगर प्ले करके देखना चाहते हो तो प्ले करके भी मैं दिखा सकता हूँ। कुछ इस तरीके से आएगा हमारा फोटो। तो उसके बाद दोस्तों इधर जो हमारे को अब एक कलर वाला ऑप्शन डालना पड़ेगा, जैसे कलर उसका बैकग्राउंड चेंज होता रहेगा। तो उसके लिए हमारे को इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो इधर ये वाला ऑप्शन दिखा रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर जो इधर 3 डॉट दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। तो क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद इधर फिल स्क्रीन का ऑप्शन दिखा रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर जो कलर का ऑप्शन दिखा रहा है उस पर अगर कलर हमारे को चेंज करना है तो कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। अगर इधर जो व्हाइट वाला रेड वाला जो दिखा रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करके हमारे को कलर चेंज कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर पर जाना है। ट्रांसफर पर जाने के बाद इधर 3 नंबर वाला जो ऑप्शन दिखा रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वीडियो का थोड़ा लेंथ बढ़ा लेंगे हम बैकग्राउंड की। उसके बाद वापस इधर आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों वीडियो इधर जो डॉट दिखा रहा है वो एरर उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर जो कलर वाला हमने फिल्टर लिया था उसके ऊपर क्लिक करके इधर एंड तक उसको बढ़ा लेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। अब वापस इधर इधर पर क्लिक करके फर्स्ट में आ जाएंगे। फर्स्ट में आने के बाद फिर से इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर जो ब्लेंडिंग वो ऑपोसिटी वाला ऑप्शन दिखा रहा है उसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद इधर जो
कलर वाला ऑप्शन दिखा रहा है उसके पर क्लिक करना है। क्लिक करके कुछ इस तरीके से कर लेना है। क्लिक करने के बाद वापस आएंगे, उसके बाद बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ गए। उसके बाद ऐड इफेक्ट पे ओके करना है। उसके बाद यूवी शिफ्ट वाला ऑप्शन दिखा रहा है इधर, तो उसके पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर एक प्लस वाला आइकन दे देने का है। उसके बाद इधर एरर का जो ऑप्शन दिखा रहा है उसके पर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद इधर 4x तक लेके जाना है उसको, ऐसे खींच खींच के। दोस्तों मैंने 4x तक कर लिया है। 4x पे करने के बाद वापस इधर से वापस आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कुछ हमारा टेटस इस तरह से दिखा रहा है, तो हमारा टेटस बनके रेडी हो चुका है। तो दोस्तों ऐसा टेटस बनाना बहुत है आसान है। ऐसे कई सारे वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जैसे नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो यहाँ तक पूरा हुआ। दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तो दोस्तों जैसा आपने एडिटिंग वीडियो देखा है ऐसा हमने अलाइट मोशन में किया था। अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको मेरा वाला अलाइट मोशन चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मांग सकते हो।